ओम शांति। आपके प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सार स्वरूप यही है कि आप सबका अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, पर सामने वाली आत्माएं ना तो आपको अच्छा समझ पा रही हैं, ना आपका अच्छा किया देख पा रही हैं। इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आती है, क्या हम गलत हैं या हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? और सामने वाले को लगता है कि आप सब उनके ऊपर ज्ञान बहुत ज्यादा लाद रहे हो और उनको ज्ञान ही दिए जा रहे हो, तो वो आपको उस तरह से रिगार्ड नहीं देते। तो सबसे पहली बात, जिनको आप ज्ञान दे रहे हो वो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो ज्ञान को नहीं समझती हैं और वो आपकी भाषा को भी नहीं समझ पाएंगी। आम क्या होता है कि हम बोलते ज्यादा हैं, कर्मों में हमारे कम होता है। तो एक सिंपल सा मेथड है कि आप अभी थोड़े समय के लिए साइलेंस रहें, आप अपने कर्मों से करके दिखाएं। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करें और अच्छाई करके ये भूल जाएं कि कोई आपको अप्रिशिएट करे। आप अपनी अच्छाई को छोड़ के ये सोचने लगेंगे कि उसको अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, तो एक ना एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और धीरे धीरे आप वो वैल्यूज को भूल जाएंगे, और ये वैल्यूज भूल जाने के कारण आप एक साधारणता में आ जाएंगे, और उस साधारणता में आने के कारण सब यही सुनाएंगे कि आप तो ज्ञान को समझते हैं, आप तो ज्ञान को जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, आपको बोलने का ढंग नहीं है, या आप बार बार हमको ही क्यों ज्ञान सुनाते रहते हैं। आप धैर्यता के साथ समय आने पर और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस सेकंड मत ज्ञान सुनाएं, थोड़ा सा धैर्य रख के थोड़ा सा समय देकर फिर अगर किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो जरूर वो समझ पाएंगे। और आप ये मत सोचिए कि आप गलत हैं, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि आप गलत हैं तो आप सही करने का बल खो देंगे, और अगर आप में सही करने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो आप दूसरों को सत्य का परिचय कैसे देंगे? सत्य में अपने आप में एक ताकत होती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और सत्य अपने आप में सिद्ध हो जाता है। आप बिल्कुल भी जिद ना करें और अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट ना करें कि कहीं आप गलत तो नहीं, कि दूसरे क्यों आपको गलत समझ रहे हैं। देखो, दूसरे आपको गलत समझ रहे हैं क्योंकि वो सही को जानते नहीं है। तो जब उन्हें सही के बारे में पहचान हो जाएगी तो वो आपको भी समझ जाएंगे और इस ज्ञान को भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें और ये सोचे बगैर कि कोई क्या सोच रहा है, आप अच्छा कर्म करते चलें। ओम शांति।